फायदे होते हैं। हमारे भोले भाले हिंदुओं को अगर आप ऐसे गुमराह करोगे, उनके संतों को जेल में भिजवाओगे, तो आपको लगता है कि इस देश की जो सनातन संस्कृति की जड़ है वो नष्ट हो जाएगी? ऐसा आप समझते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने जो बीज यहाँ पर सनातन संस्कृति के जड़ के जो बीज यहाँ पर बोए हैं, आज वट वृक्ष के रूप में परावर्तित होने लगे हैं। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, सेशन कोर्ट ने उनको सजा दे दी। फिर भी मैं आपसे सब हिंदुओं से क्वेश्चन करता हूँ, आप अगर जब संत श्री आशाराम जी बापू के ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो अगर आप FIR देखोगे तो उसके उस FIR में कहीं पर भी लड़की ने रेप का आरोप नहीं लगाया, फिर भी इन भांड मीडिया वालों ने, ईसाई मिशनरियों के तलवे चाटने वाले मीडियाओं ने आपको ये बताया कि रेप का आरोप है, रेप का आरोप है। आप अगर संविधान देखोगे तो संविधान में नियम है 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई जा सकती, तो ये नियम कहाँ पे गए? तो संत श्री आशाराम जी बापू की उम्र आज 82 साल है, तो उनको आजीवन कारावास की सजा क्यों सुनाई गई? आप ये क्वेश्चन किसको करना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मैं सरकार को, न्यायालय को और जो मीडिया दिन रात बापूजी के खिलाफ बोलती थी उनको करना चाहूंगा। और मैं उन भोले भाले हिंदू को ये पूछना चाहता हूँ कि आप मीडिया वालों से क्वेश्चन करो, मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू संतों का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, वो भी झूठ। अगर इनमें ताकत है तो ये ईसाइयों का, मौलवियों का स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाए, फिर ये इनको ठिकाने लगाएंगे। आज हमारे हिंदू धर्म की जड़ें काटने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पूज्य बापू जी का जो 50 सालों से निरंतर सेवा कार्य चलता था वो तो मीडिया वालों ने कभी नहीं दिखाया। ईसाइयों ने इस देश के दरिद्र नारायण जो गरीब लोग थे उनको निशाना बनाया, उनको धन का लालच देकर ईसाईकरण, उनको धर्मांतरण किया, और पूज्य बापू जी ने ये धर्मांतरण रोक लगवाने के लिए हर एक त्यौहार, दिवाली के त्यौहार उन दरिद्र नारायणों के बीच जाकर मनाए जाते हैं, और आज भी उनके साधक उनके आश्रम की तरफ से उनकी हर जरूरतों को पूरा किया जाता है। वो जो दरिद्र नारायण है आज बापू को भगवान के रूप में पूजते हैं, और हम उनके 8 करोड़ साधक हैं। जब कबीर जी के ऊपर भी आरोप लगे, भगवान बुद्ध के ऊपर आरोप लगे, और जब कबीर जी के ऊपर आरोप लगे तो आखिर में सिर्फ और सिर्फ उनके 2 शिष्य बचे थे। और ब्रह्मज्ञानी की ताकत देखो, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की ताकत देखो, आज मीडिया वालों ने 24 घंटे उनके डिबेट चलाए, उनके खिलाफ जो बोलना था वो बोला, फिर भी 8 करोड़ शिष्यों में से एक भी शिष्य की श्रद्धा वो हिला नहीं पाई, और ये होती है ब्रह्मज्ञानी की ताकत। अरे आप सोचो, आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में आप जाओ, वहाँ पर 400 आश्रमवासी साधक रहते हैं। अगर कुछ यहाँ पर गलत गतिविधियाँ होती तो अपने घर परिवार को छोड़कर एक भी रुपया ना लेकर वो आश्रमवासी सेवा करते, क्या वो रह पाते? और हम 8 करोड़ शिष्य है, वो क्या आश्रम में जा पाते? हमारी